चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन का दूसरा वीडियो। हम लोग जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय टू ये होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक्स के जगह माइनस एक्स रख दें यानी रिप्लेस कर दें एक्स के जगह माइनस एक्स, तब क्या होगा? यहाँ लिखते हैं रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स वी गेट, तो क्या हो जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस और माइनस एक्स अपॉन टू। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर एक्स बाय टू यानी बराबर, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, और इतना क्या होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस एच एक्स, हाइपरबोलिक को हम लोग एच भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। इसी तरह हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर क्या होता है, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। यदि हम लोग इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स वी गेट, क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस, यहाँ पहले से और माइनस एक्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा बाय टू। अब हम लोग माइनस को कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, ठीक है। और हम लोग इतना को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ सबसे पहले माइनस लिख दीजिए और इतना का क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स यानी साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को दो रिजल्ट मिल गया, एक कॉस एच माइनस एक्स का बराबर कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस का, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टैन हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स बटे कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स, और हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स बटे कॉस हाइपरबोलिक एक्स यानी टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये तीसरा रिजल्ट है। इसी तरह आप लोग सेक कोसेक और कोट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे कुछ प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ में क्या करना है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो हम लोग सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। इतना को हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोग प्रूफ करने के लिए इसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से लेके चलते हैं, फ्रॉम आर एच एस। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर कितना होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू इंटू ई टू द पावर वाई है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू, ये इंटू में,
ठीक है, फिर यहाँ प्लस है, प्लस देंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स का कितना होता है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन टू। ठीक है, अब कितना हो जाएगा यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर बी है तो क्या हो जाता है, एक्स टू दी पावर ए प्लस बी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से हम लोग लिखे हैं ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, यदि ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई, फिर प्लस आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर प्लस, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ माइनस है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन फोर। ठीक है, अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने पर नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा फोर। ठीक है, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और e टू दी पावर x माइनस वाई और e टू दी पावर x माइनस वाई ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, ये और ये कितना हो जाएगा, टू e टू दी पावर x प्लस वाई, फिर यहाँ प्लस है यहाँ और यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस x प्लस वाई, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई बचा, और यहाँ हो जाएगा टू क्योंकि एक और एक दो। ठीक है, बटे चार, दो को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, बटे फोर, अब टू से कैंसिल हो जाएगा फोर, कितना बचेगा टू, और ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई बटे टू, मान लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर जेड है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पुट कर दें, कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस जेड अपॉन टू। ठीक है, और इसका हम लोग देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, अब हम लोग जेड की जगह एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और हम लोग को यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रूफ करते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन एच एक्स इंटू कॉस एच एक्स प्लस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच वाई। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी तरह प्रूफ करेंगे, फ्रॉम आर एच एस राइट हैंड साइड से लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या है, साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। तो इसका हम देखते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स कितना होता है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय टू इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर वाई प्लस ई टू दी पावर माइनस वाई बाय टू, फिर
plus e to the power x plus e to the power minus x by 2 into e to the power x. यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए हम लोग यहाँ e नीचे लिख देते हैं, ठीक है, e to the power x minus e to the power x नहीं, यहाँ y होगा क्योंकि sin hyperbolic y है, ठीक है, तो e to the power y minus e to the power minus y upon 2, ठीक है, ये इनटू में. अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो e to the power x into e to the power y कितना हो जाएगा, e to the power x plus y, फिर e to the power x into e to the power minus y बराबर e to the power x minus y minus e to the power क्या हो जाएगा, minus का x और plus का y, फिर minus e to the power minus x minus y अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, 2 into 2 4 plus, फिर plus e to the power x plus y, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, फिर minus e to the power x into minus y माइनस वाई, उसके बाद फिर प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 4. ये इधर है, ठीक है, इतना इधर. इसको अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम 4 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, e to the power x plus y plus e to the power x minus y minus e to the power minus x plus y minus e to the power minus x minus y plus e to the power x plus y minus e to the power minus x x minus y plus e to the power minus x plus y minus e to the power minus x minus y, ठीक है. अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है और ये, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, ये कितना रह जाएगा, e to the power minus x minus y, ये और ये दोनों कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ से कितना बचा, e to the power x plus y, फिर माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस 2 e to the power minus x minus y, और यदि माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा अपॉन में 4, ठीक है, 2 यदि कॉमन लेते हैं तो e to the power x plus y minus e to the power minus x plus y अपॉन में 4, 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, और e to the power x plus y minus e to the power minus x plus y by 2, और इसका कितना हो जाएगा, sin hyperbolic x minus y x plus y हो जाएगा, ठीक है. तो हम लोग को यही प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया, ठीक. और आगे बचा है ये, जैसे cos hyperbolic x minus y बराबर क्या होता है, cos hyperbolic x into cos hyperbolic y minus sin hyperbolic x into sin hyperbolic y, ये आपको खुद प्रूफ करना है. और sin hyperbolic x minus y बराबर sin hyperbolic x into cos hyperbolic y minus cos hyperbolic x into sin hyperbolic y, ये दोनों आपको खुद प्रूफ करना है, ठीक है. अब नेक्स्ट प्रूफ हम लोग देखेंगे, sin hyperbolic x plus y plus sin hyperbolic x minus y बराबर 2 sin hyperbolic x into cos hyperbolic y, ठीक है.